लाइव पर देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर शहर में डिवाइडर वाले मार्ग पर ऑड इवन खत्म। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर में लागू की गई ऑड इवन की व्यवस्था को डिवाइडर वाली सड़कों पर खत्म कर दिया गया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने इस संदर्भ में 1 सितंबर को आदेश जारी किया है। इस निर्णय से नागपुर शहर के व्यापारियों को कुछ राहत मिली है। हालांकि अंदरूनी कम चौड़ी सड़कों पर ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी। 2 सितंबर से संबंधित व्यवस्था लागू हो गई है। लंबे समय से ऑड इवन व्यवस्था खत्म करने की मांग नागपुर के व्यापारी कर रहे थे। वहीं सभी दुकानों को शाम 7 बजे की जगह अब रात 9 बजे तक शुरू रखने की राहत प्रदान की गई है। तो वहीं इतवारी, सीताबड़ी, महाल आदि के व्यापारियों को ऑड इवन खत्म होने का फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहां की सड़कें काफी सक्रिय है, डिवाइडर भी नहीं है। तो वहीं 100% क्षमता के साथ होटल लॉज संचालित होंगे। वहीं अंतर जिला परिवहन व आवागमन पर से ई पास की शर्त खत्म की गई है। सरकारी कार्यालयों में ए और बी ग्रुप के अधिकारियों की 100% उपस्थिति रह सकेंगी, जबकि अन्य श्रेणी के केवल 30% ही कर्मचारी उपस्थित रह सकेंगे। तो वहीं स्कूल, कॉलेज शिक्षा और कोचिंग संस्थाएं 30 सितंबर तक बंद रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम और मैरिज हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सामाजिक, राजनीति, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हैक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।